स्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। कौंडमोकारं अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयिर्य उवज्जाये लोगमियसौ वसाउणं एषो परमेटिणं पञ्चणं विभावनमोकारो संवस्य कीर्माणो पावस्य पणासणो होई अरहंत वासियतं गणहर देवेहि गंध्यं सम्मं पड़मामि भक्ति ज्योतो सुदनाड महो वही सिरसान कीर्तन कर दिशुताई नमो नमः सम्यक दर्शन चारित धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर भ्यो नमो नमः मई सुय वही विमल मण पंचय नाड चौक सामी हो पड़मामि सवे गण हर देवा अठरे दिगामी हो जय उधर सेन ना हो जैन महाकम्भ पैड़ी पाहुड़ सेलो बुद्ध सिरेणु दरियो समप्यो उपयंतसन। षटखंडागम के चौथे खंड का नाम है वेदना खंड। इस खंड में कृति योनियों द्वार और वेदना इन दो नियों द्वारों की टीका पुस्तक 9, 10, 11 और 12 में प्रकाशित हुई है। नवी पुस्तक कृति नियोग द्वार जिसके सूत्र भूतबली आचार्य ने लिखे हैं उन सूत्रों की संख्या तो 76 है और अशोका जी हमारा स्वाध्याय चल रहा है सूत्र नंबर 66 के आधार से। सूत्र नंबर 66 मधु जी गणन कृति की बात चल रही है। कौन सी गणन कृति? यद्यपि कृति के 7 भेद बताए थे लेकिन मुख्य रूप से जो टीका में वर्णन किया वो गणन और करण इन दो कृतियों का वर्णन किया। सूत्र नंबर 66 है जिसमें गणन कृति का वर्णन हमारे यहाँ पर चल रहा है। गणन कृति देखिए सूत्र को ही पढ़ते हैं। हाँ सूत्र नंबर 66 पढ़ना है। दासा गणन कदी नाम सा अने रिहा तम जहां एओ नो कदी दुवे अवक्त वा कदी ती वा नो कदी ती वा टिक पहुड़ी दाव संखेजा वा असंखेजा वा अनंता वा कदी सा सवा गणन कदी नाम। मंजू जी घाट को पढ़ सकते हैं आपको दिख रहा है जासा गणन कदी गणन गणन हाँ जासा गणन कदी नान नाम सा अने विहा तम जहा एओ नो कदी दुवे अवतव्वा अवतव्वा कदी तीवा नो कदी तिव्वा तिप्पहुड़ी जाओ संखे जावा असंखे जावा अनंता वा कदी वा कदी सा सव्वा गणन कदी नाम। जो अर्थ समझ लग गया जासा पर जो गणन कृति है जिसका नाम गणन कृति वो कैसी है सा अनेय विहा वह कैसी है अनेक प्रकार की अनेकों का कि तीन प्रकार बोल रहे तम जहा फिर उसको बता दे कौन से वो एओ मतलब एक तो नौकृति है दुवे मतलब दूसरी अवतवा कदी है तीवा और वो भी उसका दो नाम बता दिया अवतवा भी कह दो या नोकदी भी कह दो और तीसरी टिप पौड़ी जाओ संख्या वा असंख्या वा अनंता वा कदी तीन संख्या से लेकर टिप पौड़ी जाओ
तीन संख्या से लेकर जावर जब तक संख्यात हो या असंख्यात हो या अनंत हो उस सबका नाम कृति है। सा सौवा गणन कदि नाम। तो इस सूत्र के अंदर गणन कृति का बताया कि अनेक प्रकार की है। उन्होंने बताया गणन कृति के अगर सामान्य भेद करें तो एक तो जो कृति है और जो कृति नहीं है। जो कृति नहीं उसको लोग कृति कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया कि एक की संख्या को कहा लोक कृति और दो की संख्या को कहा अवक्तव्य गणन कृति। कृति के भेद किए। बात क्या चल रही है इसमें, क्या बात चलती है कि सबसे पहले तो यही बताया कि कृति किसे कहते हैं। तो उन्होंने किसको कहा था, जीव ही कृति है। जीव ही कृति है क्योंकि जीव की संख्या ही अनंत है, तो जीव को कृति कहा। मार्गणों में 14 मार्गणों में भी कहा कि वो कृति है, क्योंकि तो वहां पर 3 से अधिक संख्या वाले जीव पाए जाते हैं, इसलिए वो मार्गणों को क्या कह दिया, कृति है। जीव कृति क्यों कहा, जीव कृति क्यों कहा, उसका कारण यह था कि जीव अनंत है और 3 से लेकर संख्यात असंख्यात या अनंत सभी संख्या को हम कृति कहते हैं। कृति की परिभाषा क्या बताई थी, नो कृति किसे कहा था, एक की संख्या, दो की संख्या को क्या कहा था, अवक्तव्य कहा था, 3 या 3 से अधिक संख्या को क्या कहा था, कृति कहा था। तो आचार्य कहते हैं कि जीव कृति है क्योंकि जीव की संख्या अनंत है। मार्गणाओं को भी कहते हैं, आदेश से बोला कि 14 की 14 मार्गणाएं क्या है संज्ञा जी, कृति है। क्यों कृति है, कि मार्गणाओं में जीव 3 से अधिक पाए जाते, कई अनेक जीव पाए जाते। इतनी बात समझ में आ गई मंजू जी, मतलब किसको कहा, जीव को कृति कही जाए, संख्या की। यहाँ पर गणन में नाम के लेना, जनगणना को याद करना। जनगणना में क्या करते हैं, मतलब जनसंख्या को गिनते हैं, गिनते हैं। यहाँ पर किसकी जनसंख्या गिनती है, अरे जीवों की जनसंख्या। ये तो केवल जैसे इंडिया में हिंदुस्तान की जनसंख्या गिनेंगे, अमेरिका में अमेरिका गिनेंगे, लेकिन हम तो 3 लोक में जितने भी जीव हैं उनकी संख्या को गिन रहे हैं। अब 3 लोक में जीव कहाँ रहते हैं, पहले पूछना पड़ा था, गुरुस्थानों में रहते हैं, जीव कहाँ रहते हैं, गुरुस्थानों में रहते हैं, जीव सभासों में, उनको उनको मार्गणाओं में बताएंगे। तो हर एक मार्गणाओं में जीव कहाँ पर है। अब आचार्य कैसे बताए हमको जीव कितने हैं, तो देखिए भाई सामान्य से अगर हम देखें तो जीव जो है अनंत है। जीव कितने हैं, अनंत है। लेकिन अब जीव अनंत, तो जीव तो 4 गति में है। कौन कौन सी गति है प्रियंका प्रवीणा जी, मनुष्य गति, तिरंज गति, तिरंज गति और मनुष्य गति। आप पूछे मनुष्य गति में कितने जीव है, हम पूछ सकते हैं आपसे, एक मनुष्य है असंख्यात जीव, असंख्यात जीव, आपने असंख्यात बोला। और हमारे अशोक जी क्या उत्तर दे रहे हैं, जी मनुष्य गति में असंख्यात ही जीव, असंख्यात है, बहुत बढ़िया। और हमारे मधु जी दोनों उत्तर दे दीजिए, एक तो सही हो जाएगा। मधु जी आप क्या उत्तर देंगे, कहेंगे प्रियंका जी का संख्यात है, असंख्यात है, और अशोका जी का संख्यात है। तो हमने प्रश्न क्या पूछा पहले ये तो बता दीजिए संजय जी, कि मनुष्य गति में कितने जीव है। आपको प्रियंका जी का उत्तर सही है, क्योंकि मनुष्य में यदि भी हम जानते हैं संख्यात अशोका जी, लेकिन है असंख्यात है। आपने कैसे कहा असंख्यात प्रियंका जी, आपको उत्तर सही है, और समझाना चाहेंगे कैसे कहा कि मनुष्य में 2 है, पर्याप्त मनुष्य और अपर्याप्त। अगर पर्याप्त मनुष्य की अपेक्षा ले तब तो संख्या की है, जो कि अशोका जी का उत्तर सही रहता है। लेकिन हमने ये नहीं पूछा था कि पर्याप्त मनुष्य कितने, हमारा प्रश्न था कि मनुष्य कितने हैं। तो उत्तर आपका प्रियंका जी सही था कि असंख्यात। क्यों कहा कि लब्ध पर्याप्त जीव असंख्यात मनुष्य है। अभी लब्ध पर्याप्त, अच्छा हमेशा जो कायम रहे वो कौन सी है, एक हो गई मनुष्य अपर्याप्त और एक हो गया मनुष्य पर्याप्त। तो कौन सी राशि हमेशा रहे कि मनुष्य हमेशा पाए जाएंगे, लेकिन मनुष्य पर्याप्त मनुष्य ही पाए जाएंगे। तो अशोका जी वाले जो है कभी कभी अशोका जी सही हो जाएगी, लेकिन मान लो उस मार्गणा में अंतर पड़ गया, अशोका जी जोर से बोलेगी प्रवीणा जी देखो गिनो कितने हैं, मैं आपको 1 मिनट के लिए केवल ज्ञान देते हैं। तो बोलेंगे गिना आपने देखा, तो क्योंकि केवल वाले जैसा देखेंगे वैसे ही बताएंगे, तो उस समय आपका उत्तर होगा जीव मनुष्य संख्या। लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर पूछा उषा दोषी ने कितने हैं, तो फिर आप केवल ज्ञान देखेंगे कि जीव असंख्या मनुष्य असंख्या। ऐसा क्यों है कि मनुष्य पर्याप्त लब्ध पर्याप्त की जो मार्गणा है वो सांतर मार्गणा है, उसमें कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मनुष्य पर्याप्त जीव में अंतर बन जाए। हमने 8 मार्गणा देखी थी जिनको हमने कहा था सांतर मार्गणा, वो
और शुरू ही अपन ने मनुष्य पर्याप्त शुरू की थी, मनुष्य लिया था फिर आरंभ किया, चार दो ही ले ली थी हमने, आठ में से चार दो ही ले ली थी, और दो गुणस्थान के नाम थे आरंभ और आरंभ है ना, चार कौन कौन से ले लिया अपन ने, सूक्ष्म संप्राय और उपसम, सूक्ष्म संप्राय भी लिया था, मिथ्यात्व गुणस्थान, साधारण गुणस्थान और मिश्र गुणस्थान और प्रथमोषम सम्यक, मतलब अंतर कितने हुए, फिर से कौन कौन गिनेगा, मनुष्य पर्याप्त आहार उसके बाद कौन सा आएगा, वैकल्पिक मिश्रण आ गया, कितने हुए, चार हुए, अब दो गुणस्थान ले लेंगे, कौन से गुणस्थान, हमारे तीसरा सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म समय, ये आठ मार्गणा सांतर मार्गणा, तो इसलिए हमने पूछा कि मनुष्य कितने हैं, आशा में मनुष्य कितने हैं, आपने भी लॉग इन किया, असंख्यात बड़ौदा के नहीं पूछ रहे हैं, तो आप क्या पूछ रहे हैं कि कितने हैं, तो वास्तव में उत्तर हमको मिल चुका है कि उत्तर क्या है कि असंख्यात, अब हम तो हाँ आशा में उत्तर देंगे, मनुष्य कितने हैं, बड़ौदा के नहीं पूरे सारे मनुष्य के पूछ रहे हैं, मनुष्य कितने हैं, देखिए मनुष्य को संख्यात नहीं कहना, मनुष्य को असंख्यात कहना, मनुष्य राशि कैसी है, असंख्यात, अब मंजू जी बताएंगे आपको तिरंज कितने हैं, अनंत, मंजू से पूछा मधुर बता रहे सही उत्तर था तिरंज अनंत है, अच्छा मधु जी क्या सभी तिरंज अनंत, तिरंज मार्गणा के कैसे भेद करेंगे, सामान्य तिरंज, पंचेंद्र तिरंज, पंचेंद्र पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये भेद करेंगे, भेद करेंगे, तो आपने बोला कि तिरंज अनंत है, तो प्रवीणा जी कौन सी मार्गणा हो गई, सामान्य तिरंज की मार्गणा, सामान्य लेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं उषा दोषी से कि तिरंज पंचेंद्र तिरंज कितने होते हैं, तो क्या उत्तर होगा प्रवीणा जी, देखेंगे फिर से क्या बात चल रही है मंजू जी, अच्छा अपना विषय अपना गणन गति में क्या चल रहा था, गणन गति का चार अधिकार से वर्णन बता रहे थे ना, उगानुगम, प्रथमानुगम, आगे क्या कर्मानुगम और संचयानुगम, मार्गणा में आने की बात है, आने वाला प्रथम जो कई अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में आने वाले की प्रथम से बात की, चरम से मतलब उस मार्गणा से जाने वाला, और संचयानुगम में उस मार्गणा में रहने वाला, आने वाला, जाने वाला, रहने वाला, सरल याद रहेगा, आने वाला मतलब प्रथमानुगम, प्रथम अनुगम, चरमानुगम मतलब अब जाने वाला है, चरम समय में नारकी जन्म ले रहा है, प्रथमानुगम बात करेंगे, चरमानुगम में क्या बात करेंगे, नारकी के नरक पर्याय समाप्त होने वाली चरम समय में, और संचयानुगम अब तक कब तक चल रहा है, संचयानुगम, संचयानुगम क्या बात कर रहे हैं कि वहां पर जो आए थे वो कितने संचय होकर, कितने इकट्ठे होकर, कितने रह रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो क्या आए थे, कृति से आए थे, लोकप्रति से आए थे, या अवक्तव्य से आए थे, मतलब आए थे जरूर कैसे आए थे, अकेले आए थे कि वाइफ के साथ में आए थे कि अपनी फैमिली के साथ में आए थे, ना अकेले आए थे वाइफ के साथ में आए थे या फैमिली के साथ, अकेले आए थे मतलब लोकप्रति, वाइफ के साथ में आए थे मतलब अवक्तव्य, और फैमिली के साथ में आए मतलब कृति, अब नरक में तो वाइफ के साथ में जा नहीं सकते, तो वाइफ चलेगी नहीं नरक में, आपको जाना तो अकेले जाएंगे नहीं, आप होके आ जाओ, ठीक है ना, तो वहां पर यहाँ पर चले ना, एक एक व्यक्ति नरक नारकी में जन्म लिया, दो जन्म लिया या तीन से अधिक को जन्म, अब हम बात करते संचयानुगम, तो संचयानुगम की कितने अधिकार के द्वारा वर्णन किया है, सर संख्या काल भाव और अल्प, इनको आठ में बोलते हैं आठ अधिकार, ये कहां पर अधिकार, जीव स्थान की बात नहीं कर रही, सत्रुगमा की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रही है, यहाँ भी आठ अधिकार है, हाँ यहाँ भी आठ अधिकार है, सत संख्या, सत ने क्या बताया कि लोक प्रति से संचित जीव है,
अवक्ता कृति संचित जीव है, हे सब जगह कृति संचित जीव है, सच्चे हुए मतलब ऐसे जीव है जो लोग में होते हैं। कहाँ पर होते हैं उनकी बात अलग अलग है, मार्गणों की बात हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि द्रव्य प्रमाणों को सब सत में तो केवल उसका अस्तित्व सिद्ध करता है। फिर हमारी इसकी बात चली थी द्रव्य प्रमाणों को, द्रव्य प्रमाणों को क्या बताते हैं उषा दोषी कि लोक प्रति से संचित जीव क्या संख्यात है, क्या अनंत है, क्या संख्या है। और क्या बताएंगे मधु जी, क्या प्रश्न बनेंगे प्रति के लोग अवक्ता प्रति से संचित जीव क्या संख्यात है, क्या संख्यात है, क्या अनंत। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा मंजू जी कि क्या अनंत है, ये प्रति से संचित जीव अनंत है, असंख्यात है या संख्या। असंख्यात और हमारी कौन सी प्रभा चल रही है, प्रति में द्रव्य प्रमाणानुपम लगा, किसमें लगा था, आवाज कट रही है बहुत है, बहुत आवाज धीमी आ रही है, कट भी रही है। उसको के चालू होंगे, बंद कर देना ना, म्यूट कर दे सब जगह तो क्लियर आएगा, वहीं से नेटवर्क के साथ म्यूट भी कर लीजिए। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर हां पेज नंबर तो हमारी बात चलेगी 283 पेज पर, मतलब पीडीएफ का, और पीडीएफ देखेंगे 293 पेज। तो बात चल रही थी अपने द्रव्य प्रमाणानुगम में चल रही, तो द्रव्य प्रमाणानुगम में अनंत राशि वाले, संख्यात राशि वाले और असंख्यात राशि वाले जीवों को लेकर बात की जाती है। हमने नरक गति में जब बात की थी आचार्य ने, तो क्या पूछा था कि नरक गति में प्रति, लोक गति और अवक्तव से संचित जीव कितने, क्या मंदिर ये प्रश्न पूछा था, उत्तर दिया था, क्या दिया था कि प्रति से संचित जीव कितने जगत पत्र के असंख्यात। लेकिन अगर ये भी याद रहे तो सीधा उत्तर क्या है, असंख्यात कितने हैं, असंख्यात। तो नरक में जीव असंख्यात है, उत्तर क्या पूछा था, नरक गति में प्रति से संचित जीव, क्या मतलब हुआ इसका कि जो तीन एक साथ आए और ऐसे आके यहाँ पर है, कम से कम तीन आए ऐसे जीव कितने हैं, आचार्य का असंख्यात है, जगत पत्र का असंख्यात। और लोक प्रति अवस्था कितने हैं, तो उन्होंने बोला पल्ल के असंख्यात। फिर उन्होंने गणित करके समझाया था पल्ले के असंख्यात में बात कैसे निकाला, लेकिन हमारी द्रव प्रमाणानुगम की जो आंसर थे दो ही थे। अब यहाँ पर चल रहा है तिरंज गति की प्रवर्तना अपनी चल रही है, हमने पढ़ा था तिरंज गति में क्या लिखा है, देखिए तिरंज गति में, तिरंज गति कहा है उन्होंने सामान्य तिरंजों में सामान्य से बात करें प्रति, लोक प्रति और अव्यक्त संचित जीव कितने हैं, अनंत है, बस ये उत्तर समाप्त है। उत्तर क्या है कि चाहे प्रति हो, लोकप्रति हो, अवक्तव हो, जीव कितने हैं, अनंत है, बस इतना ही इनको बताना था। क्या क्या बताना था इनको, कि तिरंज गति में प्रति से संचित, लोकप्रति से संचित और अवक्तव से संचित कितने हैं, तो उत्तर क्या दिया अशोका जी, अनंत है। अभी अनंत क्यों है वो बताना चाहेगा जी, निगोद की अपेक्षा, निगोद क्या, क्योंकि एकेंद्रीय जीव के अनंत बना भी निगोद की अपेक्षा बनता है, एकेंद्रीय में भी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये सब असंख्यात है, बहुत बड़ी असंख्यात है, लेकिन अनंत कहाँ से आएगा, तिरंज अनंत पर अनंत जीव राशि कैसे आएगी, निगोद को लेगी। अब यहाँ तो तिरंज गति की बात करें, सामान्य की बात कर ली, तो उन्होंने बता दिया कितना है ये अनंत। फिर शंकाकार को ये भी बताते हैं कि कैसे निकालेंगे, आचार्य का जैसे नरक गति में तुमने उत्क्रमण काल अनुक्रमण काल निकाला था, तो वैसी त्रिराशि करके निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अंतर क्या पड़ जाएगा कि वह पल्ले का असंख्यात भाग था या अवनी के असंख्यात भाग था, क्या मतलब हुआ कि अगर तिरंज गति में कोई अन्य मार्गणा से आए,
देखो तीरज गति से तीरज गति में आए वो नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है अन्य मार्गणा से मनुष्य में से आए तो और कहा जाएंगे नारकी से आए वैसे जी लेना है। तो तीरज तीरज लेके जन्म लेते रहते हैं अन्य मार्गणा से आना चाहिए। तो ऐसे जीव भी संख्यात हो तो कहते हैं कब आएंगे कि आउली के संख्यात ऐसा हो सकता है कि एक समय आए दो समय आए तीन समय आए लगातार आए कब तक आए आउली के संख्यात विभाग काल तक आए आउली के लेकिन आते कितने हैं अनंत है। तो ऐसे जीव तीरंज गति में कैसे है कि चाहे लोक गति से आए हो चाहे अवक्तव्य से आए हो चाहे कीड़ों से आए हुए वे सब अनंत। इसके बाद में आचार्य आगे बढ़ते हैं कि आपने तीरंज के सामान्य बताया हमें पंचेंद्र के भी बताओ तब कितने बनेंगे राजू जी हमें सामान्य तीरंज पंचेंद्र तीरंज पंचेंद्री पर्याप्त तीरंजनी और लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्त कितने भेजो गए पांच भेजे थे ना पांच कैसे हुए सामान्य तीरंज पंचेंद्रीय पंचेंद्री पर्याप्त तीरंजनी और लब्धि अपर्याप्त। तो एक की बात कर ली सामान्य की अब कितनी बात रहेगी चार बचे कितने बचे चार बचे देखो आचार्य क्या लिखते हैं आगे आगे उसी जगह लिखते हैं भेद करके क्या लिखते हैं पंचेंद्री तिरंज आदि में चार प्रति चार में पढ़ा क्या पढ़ा पंचेंद्री तिरंज आदि चार में कृति नौ कृति वक्तव्य लिखते हैं पढ़ना शोक जी पंचेंद्री तिरंज आदि चार में कृति नौकृति में अवक्तव्य कितने हैं असंख्यात हैं संख्यात में असंख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त आदिक तथा अंतर मुहूर्त आयु वाले पर्याप्तकों में नौकृति और अवक्तव्य संचित आंवली के असंख्यात भाग हैं क्योंकि आंवली के असंख्यात भाग मात्र फल राशि से गुणित संख्यात वर्षों और अंतर मुहूर्त के भीतर संख्यात आंवलियों को संख्यात आंवलियों से अपवर्तित करने पर आंवली के संख्यात भाग उपक्रमण काल प्राप्त होता है। नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों से भिन्न कृति संचित राशि है इस त्रैराशिक क्रम से नहीं लाया जा सकता। यहाँ नौकृति और अवक्तव्य संचित राशि का असंख्यात वर्ष आयु वालों में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उनमें पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र जीव पाए जाते हैं परंतु कृति संचित राशि का संख्यात वर्ष आयु वालों में ग्रहण करना चाहिए कारण सुगम है मनुष्य वे मनुष्य पर्याप्त। इसमें दो चीज है एक है गणित गणित में कैसे बताया कि जो प्रमाण है उसको कैसे निकाला कैसे आता है गणित को समझने का विषय एक तरफ लगते हैं क्योंकि वो वैसा ही है जैसा नरक गति में समझा लेकिन द्रव्य प्रमाण अनुगम का विषय क्या है पहली बात है कि द्रव्य प्रमाण अनुगम का विषय तीरंज गति में समझाने के लिए आचार्य ने सबसे पहले क्या किया कि तीरंज गति के जो आलाप के पांच भेद बताए सामान्य तीरंज पंचेंद्रीय तीरंज पंचेंद्रीय पर्याप्त तीरंजनी और लब्धि अपर्याप्त तीरंज मतलब पंचेंद्र पंचेंद्र तीरंज जो है लब्ध अपर्याप्त तीरंज। आचार्य ने इस पांच भेद से दो ग्रुप बनाए एक बनाया सामान्य क्योंकि उसमें कितने जीव होते हैं अनंत और दूसरा बना पंचेंद्र तो पंचेंद्र का है तो कौन कौन निकल गए एक इंद्र निकल गए दो इंद्र निकल गए तीन इंद्र निकल गए चार इंद्र निकल गए लेकिन पंचेंद्र संज्ञा या संज्ञा का नहीं निकले सारे पंचेंद्र को पूरा ले लिया। अब इन्होंने पंचेंद्र का यहाँ पर द्रव्य प्रमाण अनुगम में एक साथ ले लिया क्यों क्योंकि संज्ञा की अपेक्षा से बात करना देखो कहीं पर केवल पंचेंद्र पर्याप्त अलग लेते हैं अपन जब आलाप लगा रहे हैं शाम को तो योगिनी मति का अलग लगाते हैं तिरंजनी के अलग लगाते हैं और लब्ध पर्याप्त के अलग लगाते हैं जी तो शाम को आलाप लगाते ना अपन तो सामान्य तिरंज के लगाते हैं पंचेंद्र पर्याप्त और अपर्याप्त के मिलाकर एक लगाते हैं तिरंज योगिनी के एक लगाते हैं और लब्ध पर्याप्त के एक लगाते हैं याद आया कि शाम को आलाप कैसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं लेकिन अभी याद नहीं लगाया क्यों लगाया कि अभी द्रव्य प्रमाण अनुगम से बात द्रव्य प्रमाण अनुगम में कैसे भेद करेंगे प्रवीणा जी अनंत राशि वाले असंख्यात राशि वाले और राशि जैसे कहीं पर अपने को हिंदुस्तान में कैटेगरी करना है तो कहेंगे सर्विस करने वाले कौन है और सर्विस करने वाले कौन नहीं है तो उसमें ये भेद नहीं करेंगे कि लेडीज है कि जेंट्स है कि कौन है कि फॉरेनर्स है जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं और सर्विस करते हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा
और जो सर्विस नहीं करते उनका एक ग्रुप बन जाएगा। कोई बोलेंगे सीनियर सिटीजन है तो ये नहीं बोलेंगे कि महाराष्ट्र के हैं कि गुजरात के, सारे सीनियर सिटीजन को एक ग्रुप लेंगे, बाकी को नॉन सीनियर सिटीजन ले लेंगे। मैंने क्यों याद किया ये कि द्रव्य प्रमाण और बम्बे जब भी बात करेंगे वाला में तो ऊंचा दोषी क्यों ये देखेंगे अनंत राशि वाले कौन है, असंख्यात राशि वाले कौन है और संख्यात राशि वाले। अब हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप कोई ना कोई एक अनंत राशि वाला जीव बताइए, कोई एक असंख्यात राशि वाला बताइए, कोई संख्यात राशि वाला बताइए। एक ही उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, दे सकते हैं क्या? चलिए हम लेंगे वेद मार्ग, हम थोड़ा अलग लेंगे थोड़ा, आप लोग तैयार रहना। वेद मार्ग बताइए उषा दोषी, वेद मार्ग से कितने वेद होते हैं? चार वेद होते हैं। हाँ ये सही दिया, हम कहते तीन बोल देते आप तो हमको बोलता कि भाई नहीं है, चार वेद के नाम तो बता दीजिए। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपकट वेद। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, नपुंसक वेदी और अपकट वेदी। अब बताओ इसमें ऐसे कौन से जीव केवल संख्या है, संख्या तो उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 चाहे 10 हो, लाख हो, करोड़ हो, लेकिन संख्या होना चाहिए। कौन हो सकते हैं अपने पास? चार पुरुष, और मतलब मनुष्य कह सकते हैं उसको। मनुष्य की बात नहीं करें, आप पुरुष लोगे तो पुरुष वेद तो देवता में भी पाया जाता है, पुरुष वेद 3 इंच में भी होता है और पुरुष वेद मनुष्य में भी होता है, देवता असंख्या है तो पुरुष वेद को नहीं ले सकते, क्योंकि पुरुष वेद लेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर पुरुष की बात नहीं करें, मनुष्य की बात नहीं करें, अपन बात कर रहे हैं पुरुष वेदी की। तो पुरुष वेद कौन सी गति में पाया जाता है? नारकी को छोड़कर सब जगह पुरुष वेद वाले मिल जाएंगे, नारकी सब नपुंसक वेदी होते हैं, तो देवता ही असंख्यात है, ठीक है ना, तो इसलिए तिरंज भी असंख्यात है तो ये नहीं ले सकते। हमने क्या पूछा है, संख्यात कौन है वेद मार्गण में? तो उत्तर आएगा द्रव्य स्थान के दूसरे भाग से कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं और अपगत वेदी होते हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम है, लाखों में ही है, तो वो किसने लेने के ऐसे तो भगवान को नहीं लेंगे, तो कौन से अपगत वेदी कौन से हो गए? सब जो है किसमें आ जाएंगे? संख्यात राशि वाले, संख्यात राशि। और नपुंसक वेद किसमें आएंगे? नपुंसक वेद वाले एकेंद्री भी होते हैं इसलिए अनंत में आ जाएंगे। और पुरुष और स्त्री वेद किसमें आ जाएंगे? संख्यात राशि वाले, किसमें आ जाएंगे? संख्यात राशि वाले में आ जाएंगे। मंजू जी आप बताएंगे भव्य और अभव्य जीव कितने हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। अपने को पहले परिभाषा बतानी पड़ेगी, भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं। अभव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता। तो राजू जी भव्य जीव कितने हैं और अभव्य जीव कितने हैं? कौन से संख्यात है, कौन से असंख्यात है, क्या है? भव्य असंख्यात होंगे, भव्य संख्यात अनंत और अभव्य संख्यात, दोनों ही अनंत है, संसार कभी खाली नहीं होगा, 24 होते रहेंगे। दोनों ही राशि, भव्य राशि भी अनंत है और अभव्य राशि भी अनंत है, लेकिन अभव्य राशि जो है सबसे छोटी है। हमें क्या लगे कि मिथ्या दृष्टि है ये, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन समझेंगे कि भव्य जीव अनंत है तो कम कौन होंगे, अपन समझ लगेगा कि भैया ये जो है भव्य कम होंगे, लेकिन अभव्य कम है, अनंत दोनों है अनंत राशि। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात हो गई आप लोगों के लिए, अभव्य जीव अनंत है लेकिन भव्यों से कम वाला छोटा वाला अनंत। तो इसका कारण क्या है कि अभव्य जीव की राशि तो उतनी उतनी रहेगी, तो भव्य जीव की राशि इतनी बड़ी अनंत है कि कभी समाप्त नहीं होगी। तो अभव्य जीव से बड़े भव्य जीव है, लेकिन दोनों कौन से है? अनंत है, ठीक है। अब अपन करेंगे क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, कषायी और अकषायी जीव होते हैं, तो उसमें कौन से संख्यात वाले होंगे? अकषायी में 14 गुणस्थान में लेंगे तो 10वें गुणस्थान के आगे कषायी नहीं है, तो ज्ञात वो कौन से संख्यात हो गए, लेकिन बाकी कषाय वाले कहाँ पाए जाते हैं? चारों गति में पाए जाते हैं, किरण में पाए जाते हैं। तो आप क्रोध कषाय जीव कितने होंगे? अनंत। मान कषाय जीव कितने हो जाएंगे? मानी वाले अनंत, मतलब चारों कषाय वाले जीव अनंत हो जाएंगे। यहाँ पर अपन लगा रहे तिरंज गति में लगा रहे, तो तिरंज गति में जीव कितने बताए थे प्रियंका प्रवीणा जी? अनंत बताए, लेकिन अनंत कौन से थे जब सामान्य तिरंज की बात करें, पंचेंद्री तिरंज की बात करें तो कौन कौन आएगा? उन्होंने पंचेंद्री तिरंज लिया, पंचेंद्री तिरंज पर्याप्त लिया, पंचेंद्री तिरंज ने लिया और उसके बाद उन्होंने लिया किसको लिया? लब्ध नंबर है चार। अब इन चार का भेद करेंगे ना, एक ही करना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों करना पड़ेगा कि सभी असंख्यात है,
हमें मतलब नहीं यहाँ पर कोई किरण जोड़ी नहीं है कि नहीं, संख्या में कितना है, इसने उनको सबको एक कर दिया बराबर। जैसे अपन करें कितने करोड़पति है, तो जेनी भी करोड़पति हो सकते हैं, अजेनी भी हो सकते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो करोड़पति पूछा था। हाँ पूछेगा रात में कौन नहीं खाता है, तो फिर वहां पर अलग अलग बात करेंगे किसके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा द्रव्य प्रमाणानुगम में जितनी भी बात चलती है किससे चलती है, संख्या से चलती है। तो अब तीन से चार प्रकार के तीन कितने हैं, तो उन्होंने बोला कि असंख्या बात पर उसमें ही असंख्या थे चारों प्रकार के, उसमें कृति से लोक कृति से और सब तरह से संचित होने वाले कितने हैं, कि इतने ही है। अब उन्होंने पूछा कि असंख्यात है, फिर बाद में बोला कि अब जो त्रिराशि कीजिए ना नरक गति में, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा भी बोल दिया। पहले तो बोला था कर सकते हैं, यहाँ पर बोला कि त्रिराशि को नहीं कर सकते। वह त्रिराशि क्या किया था अपन ने कि भाई इतने काल संख्यात आवली में आवले के असंख्यात विभाग होते हैं तो कितने बनेंगे, त्रिराशि किया था। यहाँ पर त्रिराशि नहीं करते थे, अशोका जी याद है वहां पर त्रिराशि कैसे किया था, उपक्रमण काल निकाला था, अनुक्रमण काल निकाला था, फिर हमने निकाला था कि अब वक्त वाले सबसे थोड़ा काल है, उससे जो है दो कृति वाले है उससे ज्यादा, उस तरह से करके निकाला था। यहाँ पर आचार्य निकालते कि नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई पहले तीन इंच को आपने जो बोला ना संख्या, आपने कितनी मानना ले ली, चार मानना ले ली, पंचेंद्री ले लिया, पंचेंद्री पर्याप्त ले लिया, आपने तीन इंच योनिनी ले लिया और आपने ले लिया लब्ध पर्याप्त। अब हम आपसे पूछते हैं कि हमको इनके भेद करने, तो कैसे भेद करेंगे यहाँ पर, कुछ संख्यात वर्ष वाले हैं, कुछ असंख्यात वर्ष वाले हैं, कुछ संख्यात वर्ष वाले हैं, कुछ असंख्यात वर्ष वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंतर्मूर्त में ही मर जाएंगे, जिनका जीवन ही केवल अंतर्मूर्त है, ऐसे कौन से जिन्हें लब्ध पर्याप्त। ध्यान दीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम द्रव्य प्रमाणानुगम की बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं पंचेंद्री, पंचेंद्री तिरंज पर्याप्त, पंचेंद्री तिरंज योनिनी और उसके अंदर लब्ध पर्याप्त। अब हमें यहाँ पर उन्होंने लिखा ना कि सबकी आयु बराबर नहीं है, क्योंकि हमें तो निकालना ना कितने कैसे आए, साथ में आए, अकेले आए, कितने साल तक जिए, चरण समय में कितने, ये सब बातें निकालनी है, तो हमें यहाँ पर आयु को करना पड़ेगा। तो हमने चार को एक को इसने कर लिया कि असंख्यात वर्ष, लेकिन पहले दो ग्रुप करने पड़ेंगे कि जिनका जीवन काल ही अंतर्मूर्त है, ऐसे है लब्ध पर्याप्त, जैसे कौन है लब्धि अपर्याप्त, तो अंतर्मूर्त काल में चले जाते हैं, बाकी सब क्या है सिर्फ संख्यात वर्ष, मतलब खुद आए गए। उसमें से भी दो प्रकार के हो गए उषा दोष, कौन से हो गए, संख्यात वर्ष वाले और असंख्यात वर्ष वाले। कहाँ पर हो गया असंख्यात वर्ष वाले, भोगभूमि में तिरंज जगह नहीं के है, अरे हमारे यहाँ पर भी जो भोगभूमि होती है वह तिरंज होती है, और तिरंज की आयु कितनी होती है, भोगभूमि में तीन पल्ली की होती है, कैसे पता आपको कि भोगभूमि में तिरंज होते हैं, आपको पता है, आपको पता है क्या, जरा याद कराइए आपको कहाँ से पता है, समग्र दर्शन से पहले जो तिरंज गति का बंद कर लेते हैं वो भूमि में जाकर तिरंज बनते हैं, हमको याद आ रहा है, बता दें आपको सूत्र में आदिनाथ भगवान का पुराण याद आ गया, वहां पर आया था ना बंदर, नेवला, सुअर, शेर, आप लोग तो पुराण भूल जाते हैं, वहां दस जीव थे, जब आदिनाथ भगवान के महाबल राजा जी से गए थे, आगे गए थे ना पढ़ते गए, और जब आर्य में थे तो वहां पर गिरिराज को हार दिया, तो खुद थे राजा थे, श्रीमती रानी थी, मती और मंत्री था, आनंद पुरोहित था, अंगमन सेनापति था, सिंह था, देवला था, बंदर था, पूरे के पूरे दस जीव थे, आपको सुना ही नहीं सुना है ना, और हम भोगभूमि में बनाते भोगभूमि में जब वो वहां चार मुनि आए थे, ये सब बैठे हुए थे वहां पर, ये सब के सब जीव थे वहां पर जो बंदर वाले बैठे हुए थे, ऐसा है भोगभूमि में भी तीन इंच होते हैं, और उनकी आयु कितनी होती है, तीन पल्ले की आयु होती है, अधिक से दो पल्ले वाले भी होते हैं, दो पल्ले वाले कहाँ होंगे, जगत भोगभूमि में, एक पल्ले वाले होंगे, दो पल्ले वाले मध्यम भोगभूमि में, एक पल्ले वाले जगत भोगभूमि में, तीन पल्ले वाले उत्तम भोगभूमि में। अच्छा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर केवल भोगजों की भोगभूमि है, जहाँ मनुष्यता पर्वत से आगे लेकर स्वयंभू रमण पर्वत के बीच में जितनी भी है वह सबके जगत त्रिजों की भोगभूमि, तो हमको हमने पंचेंद्री तो कह दिया, लेकिन पंचेंद्री में दो प्रकार के हो गए, क्या हो गए, संख्यात वर्ष वायु वाले और असंख्यात वर्ष वाले, ठीक है,
कोई बात नहीं, हम तो इंग्लिश निकाल लेते, हमने तो नारियों की निकाल ली थी, हमने जैती सागर के निकाल ली, तब आप अलग अलग क्यों कह रहे हैं कि उसका पूर्ण काल नहीं निकाल सकते। तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि एक एक को लेकर दो को लेकर भोग भूमि में जन्म होते, भोग भूमि में एकदम कृति वाले थे ना, कृति वाले तीन से अधिक, ऐसा नहीं होगा भोग में एक साथ 5,000 जन्म ले लिए, 50,000 जन्म ले लिए, करोड़ जी जन्म ले लिए, भोग में जन्म नहीं होते, लेकिन कर्म भूमि के तीन में जन्म ले सकते। तो आचार्य कहते हैं कि जब तुमको कृति से संचित जीव निकालने हैं तो तुम्हें लेना कर्म भूमि संख्या पक्ष वाली आयु वाले तीन में, और जब तुम्हें दो कृति और वक्त निकालना है तो तुम्हें भोग भूमि वाले जीव लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? भोग भूमि। क्यों लेने पड़ेंगे? कि तिरियंच जाते तो है भोग भूमि में, लेकिन लौट के लौट नहीं जाते, लौट के लौट नहीं जाते, तो इसलिए उन्होंने ये दो बात को भेद बता के बताया कि यहाँ पर उत्तम काल का मतलब निकाल में क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। फिर से हम पढ़ेंगे, अगर आपको अब समझ में आने लगेगा, पढ़ते धीरे पढ़ लेते एक बार, पंचेंद्र तिरियंच पढ़िए, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि चार में कृति नौकृति व अव्यक्तव्य कितने हैं? असंख्यात है, संख्यात व असंख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त आदि तथा अंतर मुहूर्त आयु वाले अपर्याप्तकों में नौकृति और अव्यक्तव्य संचित आदि के असंख्यात भाग है। थोड़ा रुक सकते हैं क्या? देखिए प्रश्न क्या पूछा था, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि चार में कृति वक्त कितने हैं, ये प्रश्न पूछा, उत्तर क्या है? असंख्या। ये समाप्त हो गया। अब यहाँ से आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, जो बात बता रहे हैं ना उसको समझा रहे हैं, उत्तर समाप्त हो गया, इसलिए आपको ये नहीं लग रहा कि पैराग्राफ है, उन्होंने द्रव प्रमाण संख्या बता दी कितने असंख्या, तो उत्तर समाप्त। अब क्या बता रहे, संख्यात व असंख्यात वर्ष आयु वाले पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्त आदि, ये यहाँ पर छोड़ दिया, ये एक बात छोड़ दी, वो छोड़ दी कि संख्यात वर्ष वाले होते हैं कर्म भूमि के तिर्यंच, असंख्यात वर्ष वाले आयु वाले होते हैं वो भूमि के, वो पर्याप्त आदि, पर्याप्त को आदि में क्या लेना है यहाँ पर, वो योनिनी भी लेना है क्योंकि वहां पर भूगोल में स्त्री वेद भी होते हैं, तो कर्म भूमि में नपुंसक वेद भी होंगे, लेकिन यहाँ पर नपुंसक वेद तो आ ही जाते सामान्य में, इसलिए यहाँ आदि लगा दी। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर अशोक जी, तथा अंतर्मूर्त आयु वाले अपर्याप्तों में, ये कौन सा भेद हो गया? ये पांचवा भेद हो गया, जो तिरंज योजनी का चार बना था ना उसमें चौथा, तो यहाँ पर तीन भेद बन गए, क्यों तो गए? संख्या दर्ज वाले तिरंज, असंख्या वर्ष वाले तिरंज और अंतर्मूर्त वाले तिरंज, समझ तो में आ रहा है इतना? बिल्कुल। आगे बढ़े, इनमें पर्याप्त दो कृति और अपसंचित जीव आदि के असंख्यात में भाग, मतलब ऐसे जीव जो एक एक करके आए, ऐसे जीव जो दो करके आए कितने के आदि के असंख्यात में भाग, क्योंकि आदि के भाग पूरी संख्यात वर्षों में, संख्यात वर्ष क्या हो गया? आयु हो गई, और अंतर्मूर्त के भीतर संख्यात आवयों को संख्यात आवधि से अपित करने पर आवधि के संख्यात भाव का उपक्रमण काल प्राप्त होता है। मुझे बताइए इस गणित में क्या समझाया गया है? गणित समझता नहीं, गणित में क्या समझाया गया? उपक्रमण काल प्राप्त होता है। किसका गणित बताया? ये जो तीन लाइन है, इस तीन लाइन में किसका गणित बताया? तिरियंचों के जन्म लेने का उपक्रमण काल, किसका उपक्रमण काल का? लगातार जन्म लेते मतलब है ना, है ना? अनुक्रमण काल मतलब क्या? कि उस जिस काल में कोई भी जीव वहां पर जन्म नहीं ले, पर जीव तो है लेकिन वहां कोई जन्म नहीं ले, सिद्ध काल मतलब क्या? जिस समय कोई सिद्ध बने तो मोक्ष जाए, असिद्ध काल मतलब कोई भी असिद्ध मतलब कोई मोक्ष नहीं जाए। यहाँ पर क्या बताया? उत्क्रमण काल और अनुक्रमण, उत्क्रमण काल किसे कहते हैं? लगातार जन्म लेने वाले, चाहे वो एक ले दो ले या कृति से संचित, लेकिन लगातार जन्म लेते रहे, ऐसा कब तक हो सकता है?
अवधि के असंख्यात में खत्म हो सकता है, एक सब एक को ले दो तीन चार समय से लेकर ऐसा हो सकता है तीन समय तक लगातार जन्म ले फिर नहीं ले, दस तक ले फिर नहीं ले, कभी ऐसा हो सकता है कि अवधि के असंख्यात में बात लगातार जन्म ले लेकिन उसके बाद में अंतर बन जाएगा, अंतर बन जाएगा मतलब कोई जन्म नहीं लेगा, कोई जन्म नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे अनुक्रमण काल। अशोक जी आप समझाएंगे उत्क्रमण काल किसे कहते हैं अनुक्रमण काल किसे कहते हैं, लगातार जीव जन्म लेते रहते हैं तो उपक्रमण काल है, और एक समय जन्म ले या अंतर मुहूर्त आंवली तक जन्म लेते रहे, अंतर मुहूर्त आंवली के बाद फिर अंतर पड़ेगा, यदि उस बीच में अंतर नहीं पड़ा तो वो अनुपक्रमण काल है, ये बीच बीच में या तो अंतर पड़ रहा है या फिर अंतर बीच बीच में नहीं पड़ रहा तो अंतर आंवली के असंख्यात भाग के बाद वह अवश्य ही अंतर पड़ेगा, वो अनुपक्रमण काल। ऐसा हो सकता है कि कभी एक ही जीव अंदर आए, कभी ऐसा तो दो आए, तो कभी लगातार बहुत ठोक के ठोक आए, लेकिन क्या है रात के 12 बजे तक आए, 12 बजे के बाद कोई आए, फिर 4 बजे से फिर आने शुरू, ऐसा हो सकता है अंदर कोई कोई गाड़ी आती है मुंबई के अंदर अनएक्सपेक्टेड रात को, तो कोई भी नहीं हो सकता है, तो जितने समय तक आए लगातार आए उपक्रमण काल, उसको क्या कहते हैं उपक्रमण काल, उपक्रमण काल कितने किसको कहते हैं लगातार होता रहे उपक्रमण काल और अनुपक्रमण काल को टोटल कर देंगे कितना रहेगा टोटल काल आ जाएगा, जैसे तीन पल्ले की आयु है लेकिन यहाँ पर क्या एवरेज लगाना है, तो हर आयु वाले जीव आएंगे, कोई तीन लंबा वाला आएगा, कुछ संख्या हर एक की आयु अलग अलग होती है ना, गाय की अलग आयु होगी, गायों में भी अलग अलग जीव की आयु होगी, सबकी आयु अलग अलग होगी, तो उन्होंने क्या कह दिया संख्यात वर्ष आयु वाले, क्या बोलते उन्होंने संख्यात वर्ष, अब संख्यात वर्ष को भी क्या कहेंगे संख्यात अंतर्मुख में ले लेंगे उसको, और अंतर्मुख वो भी आवधि के बराबर होते हैं, हम समझ रहे हैं जैसे अपन ने 33 सागर की आयु को क्या कहा था संख्यात पल्ली का, कैसे कहा था 10 कोरापुरी सागर का एक पल्ली हो, तो 33 सागर को कैसे करें, हमने अपने 15.5 सागर की एवरेज आयु ऐसा नहीं निकाला, कैसे निकाला संख्यात पल्ली निकाला, तो यहाँ पर भी संख्यात वर्षों की आयु अपन ने निकाली, और उसके राशि कैसे करेंगे संख्या आवली में संख्यात आवली के अंदर अगर हमें उपक्रमण काल अवधि का संख्यात भाग है तो जितनी एवरेज आयु है उसमें कितना जो है हमें मिलेगी, ऐसा त्रय राशि जैसे बात की, आपको पता नरक में कैसे की थी त्रय राशि, हमने की थी क्या की थी आप आपकी बात कीजिए ना कितने आए थे संख्यात अवली अवली के संख्यात फल फल राशि और संख्यात के रूप में लोग, हाँ बहुत बढ़िया, वहां पर अपन ने लिया था संख्यात आवली को लिया था प्रमाण राशि फल राशि लिया था आवलि का संख्यात भाग और उसको लिया था इच्छा राशि लिया था संख्यात फल, और फिर अपन ने इच्छा राशि को फल राशि से गुणा करके प्रमाण राशि से भाग दिया था तो अपने को उसका उपक्रमण काल मिल गया, तो तीनों का उपक्रमण काल मिल गया, यहाँ पर आयु पल्लियों में नहीं है, यहाँ पर संख्यात वर्ष और उसके अंदर जो आयु उसको लेने का है, और यहाँ पर भी अवधि का असंख्यात भाग ने उसका उपक्रमण काल बताया, इस प्रकार से त्रय राशि इस तरह से टोटल आ जाता है, लेकिन आचार्य ने कहा कि हम ऐसा त्रय राशि करके नहीं बता सकते हैं कि कृति संचित कितना है अकृति संचित कितना है, क्योंकि दो कृति और अवक्तव्य से संचित वाले आपको भोग रूप में लेना पड़ेगा जहाँ की असंख्यात वर्ष की आयु है, और कृति से संचित होने वाले हमें कर्म भूमि में लेना पड़ेगा जहाँ पर अभी इतना बताने के बाद में गणित के बाद में आचार्य क्या कहते हैं पढ़ते हैं उसको आगे देखिए पढ़ते हैं ये पढ़िए यहाँ से इस तरह से कर्ज नहीं लिया जाता, यहाँ दो कृति और अवक्त संचित राशि का असंख्यात वर्ष में पल्लियों के असंख्यात वर्ष आयु वालों के भाग मात्र पाया,
परंतु कृति सज्जन राशि का संख्यात वर्ष आयु वाले में ग्रहण करना चाहिए, कारण सुगम है। मतलब आचार्य ने आपको बता दिया कि कृति से संचित वाले जीवों का निकालना है तो आपको कर्म भूमि का लेना पड़ेगा, क्योंकि तो कर्म भूमि में ऐसा होगा एक साथ 10-15-20 हजार जीव आ सकते हैं, लेकिन भोग भूमि में ऐसा नहीं होगा कि लौट के लौट जाएंगे। ज्यादा जीव भोग भूमि में जन्म नहीं लेंगे, कर्म भूमि ज्यादा लगेंगे। इतना बताने के बाद में आगे मनुष्य गति की बात करें तो वो सरल है। मनुष्य कितने हैं? असंख्यात है। तो क्या लिखा यहाँ पर पढ़ेंगे आप मधु जी? मनुष्य गति का पढ़िए। मनुष्य पर्याप्तों में असंख्यात है, वहाँ पर संचय लाने के लिए विधान को जानकर कहना चाहिए। इसी प्रकार देव व भवन एक मिनट पहले हम समझ ले, आप तो समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा? मनुष्य व मनुष्य पर्याप्त। पहले ये बताएं कि मनुष्य के कितने भेद होते हैं? सामान्य मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नहीं और अपर्याप्त। इस रेंज में कितने भेद लिए थे? 5। यहाँ कितने लिए? 4 लिए। आचार्य किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? अपर्याप्त की बात कर रहे हैं। किसको छोड़ा? अपर्याप्त। किसको छोड़ा? मनुष्य पर्याप्त और योनि को छोड़ा? नहीं, पर्याप्त मनुष्य को छोड़ दिया। मनुष्य छोड़ दिया उन्होंने पहले, पर्याप्त मनुष्य को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पर्याप्त मनुष्य को? कौन सा विषय चल रहा है अपना? द्रव्य प्रमाण अनुक्रम। द्रव्य प्रमाण अनुक्रम में किसके लेंगे? संख्या को लेकर करेंगे। तो पर्याप्त मनुष्य की संख्या, मैंने पहले ही प्रश्न पूछा था आज कि मनुष्य कितने, पर्याप्त मनुष्य कितने हैं, तो कितने संख्या और सामान्य मनुष्य कितने हैं कि असंख्यात है। क्यों असंख्यात है? क्योंकि अपर्याप्त मनुष्य आ गए उसमें। इसलिए ये कौन सी बात चल रही है? जिनकी असंख्यात असंख्यात है उन जीवों को एक साथ किया, तो उन्होंने मनुष्य भी असंख्यात है और मनुष्य पर्याप्त भी असंख्यात है, इसलिए उन्होंने लिया। तो किसको छोड़ा? मनुष्य पर्याप्त को लिया। तो कस्तूरी क्यों नहीं बताया मनुष्य पर्याप्त के बारे में? मनुष्य पर्याप्त के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे बताएंगे आगे, संख्यात वाली लिस्ट में बताएंगे। हमने हम किसका स्वाध्याय कर रहे हैं? हम स्वाध्याय कर रहे हैं द्रव्य प्रमाण अनुक्रम। आप पहले सब हमें क्या लिखना का है? जैसे हमने कहा था जब हम ये बात करें कि कौन सर्विस करता है कौन सर्विस नहीं करता है, तो उसमें ये मत देखता कि लेडीज है कि जेंट्स है, सर्विस करते हैं उनको। जब द्रव्य प्रमाण अनुक्रम की बात करते हैं तो आप ये मत देखना कि पर्याप्त है अपर्याप्त है, वो भी नहीं है कि नहीं है, कौन से अनंत राशि वाले हैं कौन से असंख्यात राशि वाले और कौन से संख्या। तो लिस्ट कैसे बनेगी यहाँ पर? यहाँ पर लिस्ट कैसे बनेगी? जो जिन मार्गणाओं में जिन राशि वाले उनकी एक लिस्ट, जिन मार्गणाओं में असंख्यात राशि वाले उनकी लिस्ट अलग, जिन मार्गणाओं में संख्यात राशि वाले हैं उनकी लिस्ट अलग। जैसे अपने पुलिस में संबंध लिया था वक्त राशि वाले नरक कैसे थे असंख्यात राशि वाले, देवगति आने वाले असंख्यात राशि वाले, मनुष्य सामान्य असंख्यात राशि। अभी यहाँ पर आज कम आ रही है, आज डिस्टरबेंस बहुत है, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज कम आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस है। आप सब लोगों को आ रही है आवाज? नहीं, बिल्कुल कुछ डिस्टर्बेंस है।
आवाज नहीं आ रही है, वो कट रहा है ना तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो कट कट के सब समझ और घट 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 आवाज भी आ रही है। गड़गड़ आवाज तो आ रही है, आवाज क्यों आ रही पता नहीं, गड़गड़ आवाज आ रही है अभी नहीं। हाँ आपकी आवाज आई अब भाई आ रही है, आवाज आई तो ठीक है, आवाज आ रही तो सुनिए कुछ गड़गड़ आवाज अवश्य आ रही है, कोई बात नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि द्रव्य प्रमाणानुगम में कैसे बात करेंगे कि कौन से जीव, कौन सी मार्गणा है जहां पर अनंत राशि वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे नपुंसक वेदी अनंत है, एकेंद्रीय अनंत है, कौन से संख्यात राशि वाले केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, अवगत वेदी, अकशाई, ये सब कौन से संख्यात राशि वाले, पर्याप्त मनुष्य, असंख्यात राशि वाले, सूक्ष्म संप्राय, असंख्यात राशि, संख्यात राशि वाले, सामयिक छदोपस्थापना वाले, संख्यात राशि वाले, अचक्षु दर्शनी पहले गुण स्थान से लेकर बारहवें गुण स्थान तक है तो वो तो अनंत राशि वाले आ जाएंगे। तो कौन से जीव अनंत राशि वाले कौन से हैं उसकी मार्गणाओं को ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने मनुष्य में पहले क्या बता दिया, मनुष्य लिया, मनुष्य पर्याप्त को ले लिया और उसको बोला कि सब कैसे हैं, कृति से, नौकृति से और अवक्तव से, संचित होने वाले कितने हैं कि असंख्यात है। इसके बाद में क्या करते हैं देखो, आप आगे देखो इसी प्रकार पढ़िए पढ़िए प्रवीणा जी, इसी प्रकार देव व भवन वासियों को आदि लेकर अपराजित विमानवासी देव सब वैक्लेंद्रीय, सब पंचेंद्रीय, बादर पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, वह प्रत्येक शरीर और ये सब पर्याप्त त्रस तीन, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, प्रक्रियक द्विक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, विभंग ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तेज पद्म व शुक्ल लेस्या वाले, सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संघी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्व के कथन में कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला शब्द क्या था, देव लिया, बताया पूरी लिस्ट बताइए और ये लिस्ट कैसे बनती है, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, योग, मैंने पहले बताया था ना एक एक मार्गणा को लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ही लगाते हैं, गति मार्गणा को लिया फिर उन्होंने अलग लिया, लेकिन मार्गणा को लेने में क्या किया, असंख्यात राशि वाले लिए, क्योंकि देव से शुरू किया ना और देव कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं। लिस्ट का पहला शब्द क्या था, देव, लिस्ट का पहला शब्द क्या था, देव, देव कितने होते हैं, असंख्यात वाले, तो सारी लिस्ट क्या है, असंख्यात वाली है। तो जब सम्यक मार्गणा में जाएंगे तो वेदक सम्यक दृष्टि ले लिए, क्यों, क्योंकि असंख्यात सम्यक दृष्टि नारकों में भी है, असंख्यात सम्यक दृष्टि देवताओं में भी है, तो असंख्यात हो गए। शायिक सम्यक दृष्टि भी असंख्यात वाले हैं क्योंकि नरकों में पड़े हुए बहुत सारे हैं। तो ये देखना है कि मार्गणा ये लिस्ट कहीं से नहीं बनती है, लिस्ट कैसे बनती है, हमें ऊपर लिखना है कहां कहां पर असंख्यात राशि वाले हैं, क्योंकि हम देव की बात कर रहे हैं, तो असंख्यात राशि वाले और चालू करना अपने को, देव गति, नरक गति, नरक गति की बात पहले आ गई, मनुष्य गति में पहले ऊपर कर ली, मनुष्य पर्याप्त, देव गति नहीं की। अच्छा देव गति में क्या लिखा उन्होंने अशोका जी, देव गति में भवनवासी आदि से लेकर अपराजित तक किसको छोड़ा, किसको छोड़ा, अब अपने को क्या है सब याद होने चाहिए कि देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोलह सर्ग, नव ग्रहवेक, नव अनुदिश और उसके ऊपर क्या, विजय, वेजन, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। तो उन्होंने अपराजित तक लिया तो किसको छोड़ा, सर्वार सिद्धि को, सर्वार सिद्धि को क्यों छोड़ा, एक तारी संख्या, संख्या देवी है। हाँ ये जितनी तिरंश योनिनी, ये मनुष्य योनिनी है ना, जितनी मनुष्यनी है और सर्वार सिद्धि देवों में उनका रेशो बता के भेद निकालते हैं, जब वो निकालते हैं कितने, लेकिन सर्वार सिद्धि में संख्यात है तो उनको क्या लेने तक का, देवों की असंख्यात की लिस्ट बना रहे थे। जैसे जब मनुष्य में बात किया तो मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त लिए तो मनुष्य पर्याप्त को छोड़ दिया क्योंकि वह संख्यात था, यहाँ पर जब देवों की लिस्ट बना रहे हैं तो सर्वार सिद्धि को छोड़ दिया क्योंकि अपराजित तक लिया क्योंकि वो संख्यात है।
तो हम क्या देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, लेकिन हम किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम का स्वाध्याय कर रहे हैं। राजुल जी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आज, क्या आज नेट बराबर नहीं आ रहा सर? अच्छा, इसलिए ऐसा है, ये अनंतनाथ भगवान को कल सुबह सबको पूजा करनी है, क्योंकि अपन अनंत की बात कर रहे हैं, सबको आएगा बराबर। सिर्फ एक बात याद रख लीजिए कि यहाँ पर लिस्ट कैसे बनेगी, जैसे अपन बोलते हैं, जैसे अपन बोले मार्गणा लिस्ट कैसे बनाई थी, सांतर मार्गणा और निरंतर मार्गणा, मतलब जिनमें कोई भी जीव नहीं पाया जाए उनको कहते सांतर अंतर पड़ सकता है। यहाँ लिस्ट कैसे बनाती है, अनंत राशि वाली कौन सी मार्गणा है, संख्यात राशि वाली कौन सी मार्गणा है, असंख्यात राशि वाली कौन सी मार्गणा है, ये लिस्ट बना रहे अपन। तो यहाँ पर लिस्ट कहाँ से शुरू की, देवगति से शुरू की, तो देवगति लिया और फिर देखना चाहिए भवनवासी आदि से लेकर अपराजित तक, तो अपने किसको छोड़ा, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ा अपन ने, मतलब भवनवासी को लिया, व्यंतर लिया, ज्योतिष लिया, 16 स्वर्ग लिए, 9 ग्रेवेक लिए, 9 अनुदिश लिए और 4 अनुत्तर लिए, 5वां ने लिया। इसी तरह से जो जो मार्गणा है वो सब संज्ञात राशि वाले हैं, उनमें कहा गया संज्ञात कृति वाले, उत्तर तो बहुत सरल है, उनके पूर्व के समान, मतलब जैसे बोला था जगत प्रदर का संज्ञात भाग और जो लोक कृति और कृति संचित वाले जो नारकीम बोला था कि वो कितने पल्ले के संज्ञात लिस्ट को समझना, अपन समझते लिस्ट को। हाँ राजुल जी, देव भवनवासी आदि को लेकर अपराजित बिना देव, तो अपने समझ में आ गया यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ा क्योंकि वह संज्ञात है। आगे क्या लिखा, सब विकलेंद्रिय, सब विकलेंद्र में किसको लिया, सभी को लिया, सब लिखा दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, उनमें क्यों नहीं छोड़ा, उनमें सब क्यों लिया, कि सभी असंख्यात होते हैं, लट भी असंख्यात है, खटपल भी असंख्यात है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय सब असंख्यात है, सबको क्यों लिया, क्योंकि हमारी लिस्ट असंख्यात है। ये कौन सी मार्गणा चल रही है उषा दोषी, सब विकलेंद्रिय लिया, कौन सी मार्गणा आ गई, इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा आ गई। तो इन्होंने इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय क्यों जोड़ दिया, अरे पंचेंद्रिय में तो अपन ने देखा था संख्यात भी असंख्यात ऊपर ले लिए थे, या तो विकलेंद्रिय को जो केवल असंख्यात है उसको लिया है। पंचेंद्रिय में अपन ने क्या देखा था, पंचेंद्रिय मनुष्य क्या है, संख्यात भी और मनुष्य के बाद पहले आ गई है, तो यह कौन बचा, एक इंद्रिय को पहले ले चुके हैं, विकलेंद्रिय को यहां ले लिया और पंचेंद्रिय को ले लिया, तो इंद्रिय मार्गणा में असंख्यात राशि वाले लिस्ट में किसको लिया, विकलेंद्रिय को लिया। अब आगे पढ़िए, आगे कौन सा शब्द है, सब पंचेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, हाँ सब पंचेंद्रिय ले लिया, ये कौन से आ गए पंचेंद्रिय में, असंख्यात आ गए। क्यों, क्यों पंचेंद्रिय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पंचेंद्रिय जो है तिरंज में भी असंख्यात है, देवता में भी है, मनुष्य में अपर्याप्त की अपेक्षा से, तो सब पंचेंद्रिय को ले लिया। अब आगे का पढ़ना, उषा दोषी क्या लिखा, बादर पृथ्वी काय जल काय, जल काय, ये कौन सी मार्गणा चालू हो गई, वायु काय, वनस्पति काय, कौन सी मार्गणा, काय मार्गणा, काय मार्गणा। तो लिस्ट कैसे बने, लिस्ट चालू, लिस्ट में याद रखना है मार्गणा का नाम याद रखना, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन भव्य सम्यक संगी और हार। हम एक एक मार्गणा के भेद बोलते जाना, जिन मार्गणा के ऊपर बात कर चुके हो तो ठीक है, लेकिन जिन मार्गणों की बाकी रह गई है, तो गति मार्गणा में किसकी बात रह गई थी, देव गति की, तो देव गति में लिस्ट किसकी बना रहे, असंख्यात की, तो सारे देव ले लिए जो असंख्यात है, किसको छोड़ दिया, कि सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, कि उसको संख्यात वाली लिस्ट में लेंगे। इंद्रिय मार्गणा में किसको ले लिया, विकलेंद्रिय को ले लिया और पंचेंद्रिय को ले लिया, एकेंद्रिय को क्यों छोड़ दिया, कि छोड़ा कहा है, वो अनंत राशि वाली में लिया हमने, एकेंद्रिय को कहा लेंगे, एकेंद्रिय को छोड़ा नहीं है, कहा लिया अपन ने अनंत राशि वाले, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, लेकिन काय मार्गणा में तो पृथ्वी का ले लिया, जल का ले लिया, तो ये कौन सी है, एकेंद्रिय की दो इंद्रिय है, पृथ्वी काय भी एक केंद्रीय है, इनको क्यों लिया, पृथ्वी काय को क्यों लिया, जल काय को क्यों लिया, स्थावर काय बादर को दिया, बादर नहीं असंख्यात होने के कारण लिया है,
देखिए हमारी लिस्ट बन रही है असंख्यात की, और हमने कहा था कि अनंत की लिस्ट में केवल निगोद आता है, एक केंद्र में से निगोद आता है, एक केंद्र में से निगोद निकाल दे तो बाकी सब असंख्यात हो गया। तो निगोद कौन होता है? साधारण वनस्पति, अपने साथ चल रहा है ना, प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति का दूसरा नाम क्या? निगोद है। निगोद के कारण अनंत राशि वाले होते हैं, तो निगोद को छोड़कर बाकी एक केंद्र भी कितनी है? असंख्यात है। तो कौन है उसमें? सारे एक केंद्री लेंगे, सारे एक केंद्री कहेंगे तो नहीं ले सकते, क्योंकि सारे एक केंद्री में अनंत आ जाते हैं, निगोद में आ जाता है। लेकिन जब हम गायक मार्गणा में जाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या लिया? पृथ्वी काय, जल काय, ये देखो साधारण नहीं लेंगे, क्या लिया उन्होंने? देखो प्रत्येक शरीर को लिया, किसको छोड़ा? इस शाम की लिस्ट याद करो, पृथ्वी काय को लिया, जल काय को लिया, तेज काय को लिया, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब बादर जल का है, बादर तेज का है, बादर वायु का है, वनस्पति वनस्पति का है, और प्रत्येक शरीर है ना साधारण को नहीं लिया। तो ये वनस्पति काय का क्या मतलब हुआ? और प्रत्येक शरीर यहाँ पर वनस्पति काय को कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर वनस्पति काय का मतलब है प्रतिष्ठित वनस्पति, और प्रत्येक शरीर का मतलब है अप्रतिष्ठित वनस्पति। यहाँ पर जो नाम लिखा ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर साधारण वनस्पति ले लिया तब तो अनंत राशि वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वनस्पति लिखा ना प्रवीणा जी, उसका मतलब क्या हुआ कि केवल वो लेना, कौन सा लेना? प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति जो है दो भेद पड़ते हैं, अपन करते हैं सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो ये बात अपने देख ली, आगे की लिस्ट देखिए। अप्रतिष्ठित को लेना, ये सब पर्याप्त, ये सब पर्याप्त। अच्छा त्रस्ती, त्रस्ती में किसको लेना? शाम को चल रहा है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय को त्रस कहते हैं। किसको लिया उन्होंने? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय को त्रस कहते हैं। अब यहाँ पर लेना है तो त्रस सामान्य, त्रस पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, सभी कितने हैं? सबको लेंगे, काय मार्गणा त्रस करेंगे तो असंख्याती है, अनंत हो नहीं सकते हैं। और त्रस क्या आएगा? देवनारकी भी आ गए, सब आ गए, तो असंख्यात वाले आ गए। तो त्रस मार्गणा को कहेंगे, जो विस्तार काय मार्गणा के हिसाब से त्रस कहेंगे, तो त्रस तीन लिया, कौन सा लिया? त्रस सामान्य, त्रस पर्याप्त और सत्र अपर्याप्त, बराबर आ गया। चलिए पांच मानो योगी, पांच, हाँ पांच कौन सा आ गया? मनोयोगी। अभी कौन से मार्गणा चालू हो गई? काय मार्गणा गई, योग मार्गणा, योग मार्गणा, क्योंकि पांचों ले लिए, सामान्य ले लिए, पांच वचन योगी, एक तरह सामान्य लिए, एक तरह पर्याप्त, एक तरह कौन से लिए? एक तरह अपर्याप्त। देखो उन्होंने वैकरिक को लिख को लिया, अब आगे स्त्री वेदी कौन से मार्गणा चल गई? वेद मार्गणा शुरू हो गई। तो योग मार्गणा में किसको लिया और किसको छोड़ा? योग मार्गणा में किसको लिया और किसको छोड़ा? पहले हम लिस्ट बना रहे हैं असंख्यात की, आहार्द्विक को छोड़ा, तीन को छोड़ा, औदार्यविक और आहार्द्विक और कार्मण को छोड़ा, पांच को छोड़ा। अभी हमने ये तो पता लगा लिया कि इस लिस्ट में किस किस को छोड़ा। राजू जी आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, आप कुछ बता रहे, हाथ खड़ा करना चाहते हैं? इसमें आरक 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 मिश्र और आरक 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 दोनों को छोड़ दिया, और औदारिक औदारिक और औदारिक किसको छोड़ दिया? कारमण को छोड़ दिया, मतलब पांच को छोड़ दिया, मतलब पांच मनोयोग, पांच वचन योग और काय मार्गणा के हिसाब से भेद होते हैं सात प्रकार के, उसमें जिन्होंने केवल वैकरिक को लिया उनको छोड़ दिया पांच को। अब कौन बताएगा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो संख्यात में तो संख्यात है ना, नहीं एक औदारिक तो एक के होता है, वो तो अनंत में है। जो निगोद के जीव तिरंजु के कौन सी काय होती है? औदारिक शरीर किसके होता है? तिरंजु के होता है, और एक कौन से है? अनंत राशि वाले में, तो उनके कौन सा योग होगा? औदारिक काय और औदारिक मिश्र काय होगा,
तो वो राशि किसमें जाएगी, तो अनंत में जाएगी। प्रवीणा जी अगर ये अपन समझ आहार संख्या संख्यात में जाएगी, कार्बन का योगी भी अनंत में जाएगी, अनंत कार्बन का योगी केंद्र में निगो तो जन्म लेने वाले जब तक भी मतलब होंगे, अगर विग्रह गति से गए तो जब तक ऋजु गति में नहीं आएंगे तब तक उनके में जब तक वो आहारक नहीं बनेंगे तब तक का ले लिया उन्होंने। तो कितना सरल है, फिर से बताओ योग मार्गणा में किसको लिया और किसको छोड़ा, अशोका जी समझाओ। यहाँ समझोगे तो आनंद आएगा, और नहीं तो कहेगा क्या लिस्ट है, और ऐसा भैया धवला का स्वाध्याय तो सभी लोग छोड़ के छोड़ देते हैं, यही छोड़ के दे देते हैं, लेकिन ये समझ ले कि लिस्ट कैसे बनी है तो आपको आनंद आएगा। मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। पता नहीं आपने निकाला भी कहाँ से है, कहाँ से ढूंढ के निकाला है, कहाँ से निकाला है, कोई की तो है नहीं इसकी ये कहना कि कठिन पड़ता है और ये नहीं करता है शैवशम बढ़ने के फायदा, ये बात तो अलग है, आपको भी पाप लगेगा। और ये बात अलग हुई है कि कोई समझाने वाला है तो हम भी प्रयत्न करें कि समझे ये लिस्ट कैसे बनी है, और हमारी गलती हो तो आप बताइए हमारी, हम तो एक एक चीज को सोच रहे हैं। एक बताइए हम आपको ये विषय इतना अच्छा है, एक बार समझ में आ जाए कलक की कैसे करना है तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखो जब तक कोई चीज नहीं आती ना तब तक कठिन लगती है, ये लिस्ट बना रहे हैं। विषय क्या चल रहा है, द्रव्य प्रमाणानुगम का चल रहा है, लिस्ट कौन सी बनानी है, संख्यात की असंख्यात की अनंत की, इसकी बनानी है मार्गणा की। तो मार्गणा के नाम तो वही लिख रहे, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य, इन मार्गणाओं के भेदों को याद करना, प्रभेदों को जब अपन बात करें ना उसमें जो जो असंख्यात वाले हैं उनको असंख्यात में लेना, जो जो संख्यात वाले हैं उनको संख्यात के लिए बनाना, जो जो अनंत वाले हैं उनको अनंत लेना। इतना सा तो सरल है, रुकेंगे अपना समय हो चुका है तो रुकेंगे। मैंने क्या बताया आज आपको कुछ बताएंगे अशोका जी? अच्छा प्रवीणा जी आप बताइए, आपको लगता है समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल हिम्मत से बैठे हुए हैं, आपको मतलब नेटवर्क का शुरू में प्रॉब्लम थी ना तो थोड़ा कंफ्यूजन था, आप थोड़ा सा अभी का ये वाला समझ में आया है, इसमें संख्यात असंख्यात अनंत के भेद करे हैं और इसमें द्रव्य प्रमाणानुगम के चर्चा के अंतर्गत ले रहे हैं, इंद्री मार्गणा और मार्गणा को ले रहे हैं, तो सभी मार्गणों के लिए 14 मार्गणों के लिए अपन ने गति मार्गणा पे अपने देव गति लिया, आगे लिया सबको लिया उन्होंने, है ना। लेकिन चल एक इसका तरीका क्या है कि सारे मार्गणा के नाम लिख लेने का है, ऊपर लिखना है तीन जगह टेबल बनानी, असंख्यात राशि वाले, दूसरे को अनंत राशि वाले, असंख्यात राशि वाले, और एक एक मार्गणा का नाम बोलते आना। जैसे संख्यात राशि वाले लिस्ट बनानी है और मैं गति मार्गणा बोलू तो कहाँ पर आएंगे संख्यात वाले, संख्यात होते हैं तीरंज गति को छोड़ना पड़ेगा, देव असंख्यात होते हैं छोड़ना पड़ेगा, ये कौन से हो गए, नारकीय संख्यात है, मनुष्य बचे, मनुष्य में सभी मनुष्य नहीं होते तो लिखने का पर्याप्त मनुष्य, तो अगर संख्यात की लिस्ट बना तो केवल पर्याप्त मनुष्य ही आएगा गति मार्गण में और कुछ भी नहीं आएगा। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय संख्यात नहीं होते, दो इंद्रिय संख्यात नहीं होते, तीन इंद्रिय संख्यात नहीं होते, चार इंद्रिय संख्यात नहीं होते, और पांच इंद्रिय भी संख्यात नहीं होते। तो आप इंद्रिय मार्गणा में कैसे लेंगे कि हम छोड़ देंगे आगे बढ़ जाएंगे, हमें किसने कहा आपको तो संख्यात के लिए बना रहे, तो इंद्रिय मार्गणा में कुछ नहीं आएगा जो पंचेंद्रिय तक सब संख्यात ही है, संख्यात नहीं है। इंद्रिय की बात क्या आएगा, गति इंद्रिय काय, काय में क्या लेंगे, मनोयोगी संख्यात नहीं हो सकते, वचन योगी संख्यात नहीं हो सकते, है ना, केवल आहारक द्विक आएंगे, मतलब 15 भेद में से केवल दो ही भेद आएंगे, आहारक द्विक वही संख्यात होंगे, तो आगे बढ़ जाइए। कितनी जल्दी लिस्ट बन गई संख्यात की, आप संख्यात की लिस्ट बनाओ इजीली बन जाएगी। काय मार्गण योग मार्गण में आ गए, वेद में क्या आएंगे संख्यात वाले, कि भाई हमको तो कोई मिला नहीं, केवल अवगत वेदि मिले, क्योंकि बाकी पुरुष देवता भी असंख्यात है, तो उसमें अपगत वेदी आएगा, कौन आएगा, अपगत वेदी, गतिन्द्र का योग वेद कषाय में कौन आएगा, नहीं नहीं कोई नहीं मिलेंगे, हम सब तो कषाय करने वाले हैं, अकषाय मिलेंगे, कौन मिलेंगे, अकषाय मिलेंगे, गतिन्द्र का योग वेद कषाय ज्ञान, ज्ञान में कौन मिलेंगे, केवल ज्ञान वाले,
मतलब परे ज्ञानी भी मिलेंगे आपको, क्योंकि मतलब परे ज्ञानी मुनिराज होते हैं और मुनिराज वाले संख्यात होते हैं। मती शुद्र अवधि नहीं मिलेंगे, लेकिन मतलब परे ज्ञानी मिलेंगे, केवल ज्ञानी मिलेंगे, संख्यात वाले मिल गए। इससे आगे बढ़ेंगे गतिन्द्र का योग वेद कषाय ज्ञान संयम, संयम में कौन मिलेंगे आपको? वही आरक वाले मुनि महाराज जी मिलेंगे संयम। नहीं, सामायिक चतुपस्था सब सब मिलेंगे, सामायिक चतुपस्था अपना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा क्या, क्योंकि सब छठे गुण स्थान से आगे सब संख्या है ना मनुष्य। तो ये संयम मार्गणा में आपको पांच मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे? पांच वेद मिल जाएंगे, सिर्फ संयम और देश संयम और असंयम को छोड़ना पड़ेगा। आगे कौन सी मार्गणा आई? गतिन्द्र का योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन। दर्शन मार्गणा हम किसको लेंगे? चक्षु को नहीं ले सकते, अचक्षु को नहीं ले सकते, अवधि को नहीं ले सकते, केवल को, केवल केवल को लेना, केवल दर्शनी को लेना पड़ेगा दर्शन। आगे कौन सी मार्गण आएगी? दर्शन लेशा। लेशा में किसको लेंगे? नहीं ले सकते अलेशा को ले लेंगे, चौदह गुणस्थान वाले को ले लेंगे। सर किसको ले लेंगे? अलेशा, चौदह गुणस्थान वाले को जो है अलेशा ले लेंगे, बाकी सबको नहीं ले सकते क्योंकि सबके लेशा है। आगे कौन सी आएगी? नहीं ले सकते, दोनों अनंत राशि है तो नहीं ले सकते। आगे लीजिए संगी असंगी, दोनों नहीं ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि सब आगे आप, क्योंकि आहार अनारक नहीं ले सकते हैं क्योंकि सब संख्यात नहीं है। तो संख्यात में देखेंगे तो आपको सात आठ नाम भी मिलेंगे, आठ नाम भी मिलेंगे, कितने मिलेंगे? आठ। तो आज आप लोग जो है ये प्रयास करना, सरल प्रयास करना कि हमें तीन, देखो पहले सरल प्रश्न कर लेना चाहिए एग्जाम में ताकि अपन पास हो जाए। अपने को तीन लिस्ट बनानी मार्गणाओं में से, संख्यात राशि वाले, असंख्यात राशि वाले और अनंत राशि वाले। तो सबसे सरल लिस्ट कौन सी है? संख्यात वाले। उससे कौन सी सरल है? अनंत राशि वाले, क्योंकि उनको निगोद पता है। तो निगोद में जो जो सब आ जाएंगे निगोद को ले लेंगे, उसके बाद में जो बचे वो सब असंख्यात राशि वाले हो जाएंगे। चलो ठीक है ना, ऐसे अपन लिस्ट बनाएंगे और इसका स्वाध्याय अपन आगे करेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? राजू जी आपको आ गया? कुछ आ गया है समझ में, कोशिश करेंगे लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। संख्या वाली बनाओ पहले, पहले संख्या वाली बनाओगे ना फिर अनंत वाली बनाओगे। देखो अनंत वाली बनाना बस सीधा बैठ जाओ, तिरंज गति, गति में कौन सी लेनी है? केवल तिरंज गति लेनी है। आगे बढ़ जाओ, इंद्रिय एक इंद्रिय, बाकी लेनी नहीं। अनंत राशि वाली भी इजी पड़ेगी क्योंकि आपको अनंत की बनानी है। गति मार्गणा में केवल तिरंज गति आएगी, देव नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय आएगी, गति इंद्रिय काय, काय मार्गणा में कौन सी आएगी? उदारिक काय वाला आएगा, कर्मण काय होगा, जो अपने छोड़े थे ना वो आरग को छोड़ के वो सब आ जाएंगे। इस तरह से लिस्ट अनंत वाले भी सरल बच जाएगी। उसके बाद में जो बचे वो सब संख्यात वाले भी डाल देना। जब आप ये बना लेंगे ना तीन लिस्ट अशोका जी, तो आपको द्रव्य प्रमाणानुगम के आगे सबकी लिस्ट क्षेत्र में काल में अंतर में ये लिस्ट आपको समझ में आएगी। वहां लिस्ट से ही बात करेंगे कि कौन सी लिस्ट है, वहां लिस्ट अलग ढंग से बनेगी लेकिन लिस्ट बनाने की तरीका अलग अलग है। बिल्कुल आएगा, आपकी हिम्मत अच्छी है, बहुत अच्छी हिम्मत लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अशोका जी आप हिम्मत पीछे नहीं छोड़ सकते, आप भी हमेशा हिम्मत वालों में थे, अभी भी है ना? हाँ बराबर है, नहीं तो याद कर लेना। किसको याद करेंगे? झांसी की रानी को, इंदिरा गांधी को, है ना? कृति को याद करना है। चलिए जय जी, चलिए आप कर लीजिए। इसमें ये नीचे दी है ना, मनुष्य पर्यात्मा जिनवाणी स्तुति करें, जिनवाणी स्तुति।